मस्जिद को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चौतरफा घिर गए हैं। राम मंदिर पर फैसले के बाद से ओवैसी बयान और बयानों पर विवाद हो गए हैं। ओवैसी ने लिखा है कि मस्जिद वापस जाइए। इसके बाद से सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक लोग ओवैसी पर गुस्सा उतारने लगे। ट्विटर पर तो उनके बयान को लेकर ओवैसी वो ट्रेंड करने लगे हैं। वहीं लोगों ने उन्हें भारत छोड़ने की सलाह दी है। कुछ लोगों ने तो गिरफ्तार करने की भी मांग की है। तो ऐसी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। तो आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर, अयोध्या विवाद को लेकर जिस तरह से फैसला सामने आया, तब से लेकर अब तक AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कड़ा रुख इख्तियार करे हुए हैं। और इसी बीच जब उन्होंने यहाँ पर कहा कि खैरात नहीं लेने आए हैं, तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया है और कहा है कि मस्जिद वापस चाहिए। इसी पर वो जमकर ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर। या सोशल मीडिया की बात करें, जहाँ पर कई लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और उनको सलाह दी गई है कुछ लोगों के ज़रिए कि आप भारत छोड़ दीजिए, तो कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का, जहां पर लिखा है आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक, यानी कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। तो ट्विटर पर घिर गए हैं AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जिक्र किया है कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। हालांकि इससे पहले कहा था कि खैरात में नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के दौरान लोग उन्हें कई तरह की सलाह दे रहे हैं। बहुत विपरीत उनका भाषा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, उसके बावजूद भी यदि एक समाज मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहा है, तो उन्हें ना तो संविधान पर विश्वास है, ना तो इस देश पर विश्वास है, ना तो हमारे जो सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट है उस पर विश्वास है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय उचित फैसला दिया है तो हम सभी को मानना है, और इस देश से प्रेम है तो उस फैसला को अपने सिरोधार करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो वो राग द्वेष को बीज बो रहे हैं, उनको शांति पसंद नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। वो जाएं मक्का मदीना में रहें, ओवैसी को भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। ओवैसी जैसे उन्मादी लोग भारत को छोड़ दें, अमन चैन शांति से भारत में भारतवासियों को रहने दें, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे सौहार्दता बिगाड़ने वाली जो कौम है, जो नस्ल है, उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है।